होने वाली है, क्या लगता है राहत मिलेगी? नहीं देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट जब राहत देगी तभी पता चल पाएगा, लेकिन जब भी कोई अन्याय महसूस करता है आदमी तो निश्चित रूप से न्याय के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। उसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उम्मीद के साथ दरवाज़ा खटखटाया है कि जिस तरह से ईडी की कार्रवाई है, और हम लोगों ने इस बात को पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखने का काम किया है कि 90% विपक्ष के नेताओं पर ही केवल ईडी की कार्रवाई होगी, बाकी लोगों पर भी होगी, तो वो सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है। अब इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए हैं तो निश्चित रूप से उम्मीद सभी लोग करते हैं कि न्याय मिलेगा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ से जो भी होगा न्यायपूर्ण होगा। लगातार आज 6-6 जिलों की जो बैठक हो रही है, आज चौथा दिन है, सभी जो 24 जिले और 25 सांगठनिक जिले हैं उनकी समीक्षा हुई है, और सभी 6-6 जिलों के कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव और विधानसभा के सचिव, जो प्रभारीगण हैं, जिला अध्यक्षगण, सब लोग शामिल हुए, और सब लोगों ने जो कमियां हैं, जो संगठन की पूर्णता की बात है, कहां रुकी हुई है, कहां दिक्कत है, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि करीब करीब 80% से ऊपर हमने पंचायतों का गठन कर लिया है, मंडल का गठन कर लिया है, प्रखंड 99% है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।